ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द मेटल्स, मैं आपको एक एलिमेंट बताऊं। व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? एलिमेंट को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन जिसको हम बोलेंगे मेटल्स, नंबर सेकंड जिसको हम नॉन मेटल बोलते हैं, एंड थर्ड नंबर दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। ओके, थर्ड नंबर क्या है बेटा? मेटलॉइड। सेकंड नंबर आपका मेटल्स है, और सॉरी नॉन मेटल्स है, और फर्स्ट नंबर आपका मेटल है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल आएगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स एक एलिमेंट जिसके जिसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन मेटल्स, नंबर सेकेंड नॉन मेटल्स, नंबर थर्ड मेटलॉइड्स। मेटल के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, याद रखना हमेशा जो एस डी एंड एफ ब्लॉक में आपके मेटल्स हैं, ओके, एंड पी ब्लॉक में आपके इस तरीके से लिखो, एस और डी एंड एफ ब्लॉक कंसिस्ट ओनली ऑन मेटल्स, राइट? इन तीनों ब्लॉक में ओनली मेटल्स हैं, एंड पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑल थ्री, राइट? मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, राइट? क्लियर है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन इस तरीके से देख लो, ये आपकी लोकेशंस है, लोकेशंस ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड ऑन द पीरियोडिक टेबल्स। हाइड्रोजन आपका ये S1 ग्रुप है बेटा, ओके, जिसको हम फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड यहाँ आएगा, फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यहाँ पर आ जाएगा, एंड थर्टीन ग्रुप यहाँ पर, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड दिस इज द 18 ग्रुप। ओके, सो रिमेम्बर, और नीचे आपके जो एलिमेंट रहते हैं ना, दो टेबल आपकी नीचे रहती हैं, राइट? रहती हैं कि नहीं? दो टेबल आपकी नीचे रहती हैं कि नहीं, बोलो? टेबल नहीं देखा क्या? पीरियडिक टेबल कभी पहले नहीं देखा क्या? सर देखा है। तो दो टेबल नीचे रहते हैं कि नहीं? हाँ सर। ओके, उनको क्या बोलते हैं? जो आपका वन टू ग्रुप, जो ग्रुप वन है, ग्रुप नंबर वन एंड टू, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। और जो ग्रुप नंबर होगा ग्रुप थ्री से लेकर के थ्री टू ट्वेल्व, इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक। समझ गए? और जो नीचे आपका लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। और ये कहाँ पर होता है? इस ग्रुप में होता है बेटा, यहाँ पर, इस जगह पर होता है। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ग्रुप थर्टीन में आ रहा ना ये, देखो। तो एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होता है? एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या है बेटा? ग्रुप थ्री, सॉरी थर्टीन नहीं, ग्रुप थ्री है। एफ ब्लॉक का ग्रुप आपका थ्री है, याद रखना। एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में है? ग्रुप थर्ड में। और जो आपका डी ब्लॉक है वो कौन से ग्रुप में है? थ्री से लेकर के ट्वेल्व तक। जो आपका एस ब्लॉक है वो कहाँ पर है? वन से लेकर के टू तक। और जो आपका पी ब्लॉक है बेटा, पी ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर थर्टीन से लेकर के एटीन तक। बात समझ में आया? पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? अगर मैं हाईलाइट करूं, सो फ्रॉम हेयर, टेबल में ध्यान देना, फ्रॉम हेयर टू हेयर कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ब्लॉक है? पी ना, राइट? पी ब्लॉक है ना बेटा, क्योंकि ये 13 है और ये 18 है, 13 से लेकर के 18 तक कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक ना।
भूल गए क्या मैंने पीरियड टेबल में सारा कुछ बताया? पीरियड टेबल में मैंने सारा कुछ बताया है। डिड यू रिमेम्बर कि सारा कुछ गया ऊपर से? यस और नो कुछ तो बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जे डिड यू हियर मी? यस समझ में आया मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ? यस सर। पीरियड टेबल जानते हो? हाँ सर। उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जानते हो ना? हाँ सर, अभी आपने बताया। हाँ, तो जो जितना मैंने बताया उतना ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो जो आपके फर्स्ट दो ग्रुप दिखते हैं ना, ये वाले ग्रुप, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम बोलेंगे एस ग्रुप, एस ब्लॉक। ओके, ग्रुप कौन सा आता है? देखो पहले ये बात समझ लो, जो आपके वर्टिकल कॉलम लिखे हुए हैं इनको हम बोलेंगे ग्रुप। जो आपके 1 से लेकर के 18 नंबर है इनको क्या बोलेंगे बेटा? ग्रुप, राइट? ओके, और जो आपके इसको यस हम बोलेंगे 1, इसको हम बोलेंगे 2, ओके, इसको हम बोलेंगे 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, जो आपके रेड कलर में लिखे हैं 1 से लेकर के 7 तक, इनको क्या बोलेंगे? पीरियड, राइट? अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ग्रुप कौन सा है? 1, राइट? और पीरियड कौन सा है? 1। अगर मैं बोलूं बोरॉन, बोरॉन आपका ये है, इसका ग्रुप कौन सा है? 13। 13, और पीरियड कौन सा है? 2। 2, वेरी गुड, समझ गए। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका, अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 5 आ जाएगा। यस, आपने यहाँ जो थर्ड ग्रुप में दो ब्लॉक्स हाईलाइट किए वो क्या है? थर्ड ग्रुप में ये आपके इस तरीके से, चलो मैं आपको एक्चुअली में पीरियड टेबल दिखा दूं मैं क्या होता है एक्चुअली में, आप ध्यान से देख लो। एक्चुअली में जो पीरियड टेबल्स होती है वो, एक सेकेंड, देखो अभी दिख रहा है स्क्रीन पर सारा टेबल, ध्यान से समझो। जो आपका ये ग्रुप है, मैं कौन सा कलर ले लूं, मैं देखो ग्रीन कलर से समझा रहा हूँ। ये जो आपका ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे? वन ग्रुप बोलेंगे ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है वन, ग्रुप नंबर 1 लिखा लिखा ना, ग्रुप 1। हाँ सर। यहाँ पर ग्रुप 2 लिखा, दिस इज ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दिस इज 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 ग्रुप हो गए। ओके, और जो लेफ्ट में आपको यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके पीरियड हो गए। क्लियर है ना? तो पीरियड में आपको किस तरीके से आते हैं, इस तरीके से होते हैं पीरियड। अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो ये आपका एक पीरियड है, ये आपका 1 पीरियड है, ये आपका 1 पीरियड, इस तरीके से ये आपका सेकंड पीरियड है, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स पीरियड, दिस इज 7 पीरियड। पीरियड समझ गया बेटा? ग्रुप कौन से आ जाएंगे? ग्रुप दिस इज 1 ग्रुप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से ग्रुप आ जाएंगे। क्लियर है? जो दो ब्लॉक मैंने हाईलाइट किए थे वो यहाँ के ब्लॉक थे, अगर आप ध्यान से देखो, एक तो ये वाला था और दूसरा आपका ये वाला था, समझ गए? एक आपका ये वाला था, दूसरा आपका ये वाला था। इन दोनों ग्रुप में ये जो लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन है, इसको सोचो कि इसके पीछे लाइन इस तरीके से जा रही है, समझ गए?
यस सर, ये आपको 3D में समझना पड़ेगा, आपको समझ जाएगा कि ये पीछे लाइन जा रही है इस तरीके से। ये दोनों का सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 57 वाला, और सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 71 वाला। इसके लिए समझ गए, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, 57, लास्ट में क्या आ जाएगा, 71। समझ गए, क्लियर है? यस सर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर एक्टिनियम, इसमें सबसे टॉप पे क्या आ जाएगा, 89 वाला एलिमेंट, और लास्ट में 103 वाला एलिमेंट। समझ गए, 103 लास्ट के बाद, फिर आपका ये देखो ये 104 दिख रहा होगा, और यहाँ पर 71 लास्ट में आने के बाद ये देखो 72 दिख रहा होगा। समझ गया? हाँ सर। ये सारे एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप थर्ड में आ रहे हैं ना? हाँ। इनका ग्रुप थर्ड होता है, और ये एलिमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है ना? यस सर। ओके, नाउ 3 से लेकर के 10 तक इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, 3 से लेकर के सॉरी 12 तक इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ गए? और 13 से लेकर के 80 तक इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और एस 1 से लेकर के, यहाँ पर 1 से लेकर के 2 तक इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? तो जो आपके यहाँ पर आपका मेटल मिलेगा, यहाँ पर आपका मेटल मिलेगा, यहाँ पर आपका मेटल मिलेगा, और इन दिस केस यहाँ पर आपका मेटल मिलेगा, यहाँ पर आपका मेटलॉइड मिलेगा, और यहाँ पर आपका नॉन मेटल मिलेगा। तो पी ब्लॉक ही ऐसा ग्रुप है जहां पर आपका मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है, और मेटलॉइड भी मिलता है। समझ गए? यही बताना था मुझे कि जो आपकी लोकेशन है सिर्फ पी ब्लॉक में आपके क्या क्या है, पी ब्लॉक में ही आपका मेटल है और मेटलॉइड है और नॉन मेटल है। ध्यान से देखोगे तो जिसमें ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इनको हम बोलेंगे मेटल। यहां से यहां तक जो ग्रीन कलर लाइन मैंने दिखा दी, ये सारे इसके नीचे आपके क्या है, ये वाले मेटल। ओके, और जो आपका जिसमें ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन दिख रही है, दीज आर द मेटलॉइड। ओके, और जो आपका कौन सा लाइन दिख रहा, रेड लाइन दिख रहा, ये सारे आपके क्या है, इंक्लूडिंग नोबल गैस, दीज आर नॉन मेटल्स। क्लियर? बात समझ गए? यस सर। ओके, तो अभी देखो मेटल समझ गए, नॉन मेटल समझ गए, इनकी लोकेशन समझ गए आप लोग। अगर आप ध्यान से समझोगे इन दिस केस, तो मेटल नॉन मेटल तो आपको हो गया क्लियर। ओके, अगर मैं मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो सबसे पहले स्टेट आता है, स्टेट आएगा ना मेटल की। स्टेट क्या होगी? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आपकी सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर। बात समझ गए? एक्सेप्शन क्या है, एच जी और जी ए। एच जी आपका क्या है, मर्क्यूरी, और जी ए आपका गैलियम। दीज आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। समझे? मर्क्यूरी एंड गैलियम आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, सारी की सारी मेटल्स आपकी सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर, ओनली गैलियम एंड मर्क्यूरी आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल मोस्टली गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस और आयोडीन, दीज आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एंड ब्रोमीन आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? कौन कौन से, कितने एग्जाम्पल एक्सेप्शन में है, 5, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 सल्फर, नंबर 3 फास्फोरस, नंबर 4th आपका आयोडीन, और नंबर 5th है आपका ब्रोमीन। तो 4th स्टार्टिंग कार्बन सल्फर फास्फोरस आपके क्या है, सॉलिड है, ब्रोमीन आपका लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ओके, नाउ व्हाट आर द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो आपकी मेटल्स होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड एच जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है साथ में। ओके, नाउ गैलियम इज द ओनली मेटल दैट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? गैलियम एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा इसका, 303 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 2712 केल्विन के आसपास। समझे? क्लियर है? नाउ
गैसेस आर द लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट. गैसेस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा. एक्सेप्ट दीज थ्री फोर एलिमेंट्स, कार्बन सिलिकॉन एंड बोरॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट. समझ गए क्यों? बिकॉज दे फॉर्म नेटवर्क सॉलिड, बिकॉज दे फॉर्म नेटवर्क सॉलिड कंपाउंड्स. ओके, क्योंकि कार्बन से आपका डायमंड बनता है ना बेटा, वो नेटवर्क सॉलिड का ही पार्ट होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है. हार्डनेस, अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जनरली क्या होती हैं बेटा? हार्ड होती हैं. इज इट ओके? सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम आपके बहुत सॉफ्ट हैं. दे कैन कट थ्रू द नाइफ. हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं, जस्ट लाइक पनीर के पीस हम कट करते हैं. सेम केस में आपका सोडियम और पोटेशियम होता है. ओके, बट अदर देन सारी एलिमेंट्स और सारे मेटल्स आपके हार्ड होते हैं. ओके, देन अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में सॉलिड जो नॉन मेटल्स होंगे, दे आर ब्रिटाइल. ब्रिटाइल मतलब क्या होता है बेटा? ब्रिटाइल मीनिंग सर मतलब बहुत नाजुक होते हैं. यस, बहुत जल्दी थोड़ा सा फोर्स लगाने में टूट जाता है. ओके, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड आपका एक्सेप्शन में है. ओके, दैट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट एलिमेंट. सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट आपका डायमंड ही होता है. क्यों हार्ड होता है? बिकॉज ऑफ द नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर. एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है डायमंड, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस सब कुछ अलग हो जाती है. ओके, बट वो नॉन मेटल में आता है. डेंसिटी क्या होती है? मेटल हैव द हाई डेंसिटी बट नॉन मेटल हैव द लो डेंसिटी. राइट, मेटल के पास हाई डेंसिटी, नॉन मेटल के पास लो डेंसिटी. एक्सेप्ट यहाँ पर डायमंड है, यहाँ पर वही एक्सेप्शन है. सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वही एक्सेप्शन है. इनकी डेंसिटी आपकी वाटर से कम होती है. वाटर से कम होने का मतलब है ये सोडियम आपका पानी के ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा. ओके, सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्ट कौन सा है? बिस्मिथ एंड टंगस्टन आर द पुअर कंडक्टर. ये दो एलिमेंट आपके बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं. क्लियर है? टंगस्टन पुअर कंडक्टर है. टंगस्टन जानते हो बेटा क्या होता है? नाम सुना टंगस्टन का? बल्ब का. यस, बल्ब में जो वायर लगा रहता है ना, इस तरीके से आपका बल्ब होता है. ये जो वायर लगा रहता है ना, ये आपका टंगस्टन होता है. समझे? नाउ नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल के बारे में पता है. सिर्फ आपका ओनली ग्रेफाइट है जो आपका कंडक्टर होता है. यस सर, अभी टंगस्टन पुअर कंडक्टर होता है, फिर भी वो बल्ब में क्यों यूज करते हैं? पुअर कंडक्टर है ना. पुअर कंडक्टर मींस बल्ब में यूज इसलिए करते हैं बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है ना. मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फिर भी. या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद तो फिर तो लकड़ी जैसा काम करना चाहिए ना, नॉन मेटल जैसा. फिर तो करंट जाने दीजिए. करंट जा रहा है इसका मतलब बहुत बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है. इसका मतलब करंट जा रहा तो करंट बहुत ही स्लोएस्ट में जा रहा है और उसको बहुत ज्यादा हीट कर दे रहा है. और जैसे हीट करते हैं तो वो लाल रेड कलर का हो जाता है और फिर हमारे रूम में उजेला हो जाता है, जो जलने लगता है. समझ गए? हाँ सर. जैसे आपका करंट, ये दो करंट के वायर है. आप सोचो ये जो करंट के वायर है, अगर मैं इसमें ऐसे प्लास्टिक की कोई चीज लगा दूं यहाँ पर, तो क्या करंट पास हो पाएगी? ना, नहीं ना. नहीं सर. तो यहाँ पर ऐसी कंडक्टर चीज लगानी है ना. अगर ज्यादा कंडक्टर चीज लगाएंगे तो फट फट आग लग जाएगी, करंट लग सकता है. समझे? तो पुअर कंडक्टर वाली चीज लगाते हैं जिससे करंट पास हो बट वेरी इन द स्लोली मैनर. ओके, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एकदम रेड हो जाता है और पूरा आपका क्या हो जाता है, जो रूम में होगा उजेला हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट आपका लस्चर. लस्चर मींस क्या होता है बेटा? शाइनिंग कैपेबिलिटी ना. तो मेटल हैज लस्चर, नॉन मेटल के पास कोई लस्चर नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट. दो ऐसे एलिमेंट है जिनके पास थोड़ा बहुत लस्चर होता है. ओके, नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ इस तरीके से समझो अभी के लिए, बट इसका अलग यूज है. जब आप 11th में आओगे तब आपको फिजिक्स में बताया जाएगा, गुप्ता सर बताएंगे 11th और 12th में, 12th में
टेंसाइल स्ट्रेंथ इस तरीके समझो, मे बी होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी समझ गए। जैसे एक जब आप कपड़े बाहर फैलाते हो, एक आपका आयरन का वायर है ओके, और एक आपका नॉर्मली धागा है, तो बहुत सारे कपड़े फैलाए आपने इसमें, तो कौन सा टूट सकता है, धागा टूटेगा या लोहे का वायर टूटेगा, आयरन वायर, धागा टूट सकता है ओके। इसका मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, होल्डिंग कैपेसिटी लोड लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी, मेटल की, बिकॉज आयरन आपका मेटल है ना ओके। तो टेंसाइल दे हैव हाईली टेंसाइल एंड दे डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर एंड रिसेंटली डेवलप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। रिसेंटली जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, लाइक प्लास्टिक की कोई चीज बना दें, प्लास्टिक की वायर बना दें, तो वो भी काफी लोड ले सकती है ना। ये सर नायलॉन, नायलॉन टाइप का, तो वो नायलॉन आता है कार्बन के एलोट्रॉप्स में या कार्बन फाइबर में आता है, समझ गए, एलोट्रॉप्स में कार्बन फाइबर में आता है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन का पार्ट है। जिंक इज वेरी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिंक में अगर ऐसे करोगे तो जल्दी टूट जाता है, जिंक बहुत ही ब्रिटाइल होता है ओके। बेंडिंग कैपेसिटी तो नहीं बोल सकते, बेंडिंग कैपेसिटी नहीं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है लोड लेने की कैपेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, आप कितना होल्ड ले सकते, नॉट बेंडिंग नहीं बोल सकते कि वो कितना बेंड हो जाएगा, समझे रंजल, समझ में आया टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि बिना बेंड किए हुए वो कितना लोड ले सकता है, अगर आपका ये वायर है, मैंने आपको ये वायर समझा, तो आप इसमें लोड लगा दिए बहुत ज्यादा, इसका मतलब कुछ देर बाद वो इस तरीके से हो जाना चाहिए, यही तो नहीं होना है, कितना बिना बेंड किए वो लोड ले सकता है, उसी को तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे, समझे, क्लियर है। इसको डेल सा मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्वेल्थ का पार्ट है इसलिए मैंने अभी स्किप किया ओके। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी क्या होता है बेटा, सीट, और डक्टिलिटी वायर, या इसका उल्टा बोलो, मैलेबिलिटी क्या होता है, मैलेबिलिटी सर डक्टिलिटी मतलब जो ये होता है ना वायर होती है ना, उसकी बहुत थिन वायर हो सकती है और वो बहुत दूर तक मतलब बहुत लंबी वायर हम बना सकते हैं थोड़े से अमाउंट के मेटल से, थोड़े से अमाउंट के मेटल से बहुत ज्यादा वायर बना सकते हैं, मींस डक्टिलिटी मतलब होता है वायर फॉर्मिंग कैपेसिटी और मैलेबिलिटी मतलब होता है शीट फॉर्मिंग कैपेसिटी, समझ गए। तो सारे मेटल्स आपके मैलेबल और डक्टाइल होती हैं, अदर देन द जिंक ओके, जिंक आपका मैलेबल और डक्टाइल नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल मैलेबल और डक्टाइल नहीं होता है, सिर्फ कार्बन ऐसा करता है, बाकी कोई भी आपका नॉन मेटल ऐसा नहीं करता है। सोनो रस क्या होता है बेटा, कार्बन भी डक्टाइल होता है, कार्बन फाइबर आर डक्टाइल, कार्बन की तो कार्बन फाइबर नहीं समझते, कार्बन फाइबर जो भी प्लास्टिक बताया ना मैंने, आप उसकी वायर बना सकते हो ना, हाँ हाँ समझ गए, चलिए नेक्स्ट। सोनोरस, सोनोरस क्या होता है बेटा, सर जो टिंग की आवाज आती है मतलब, यस ओके, यस मेटल में जो आवाज आती है कुछ टिन टन की जो आवाज आती है वो आपका सोनोरस है, नॉन मेटल में ऐसा कोई आवाज नहीं आती है। अकरेंस दे फाउंड इन कंबाइन स्टेट, ओनली नोबल मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, नोबल मेटल्स होती है, विच आर द नोबल मेटल्स बेटा, जैसे हम बोले एजी बोल सकते हैं, एयू बोल सकते हैं, पीटी बोल सकते हैं, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब ये आपको फ्रीली मिल जाएंगे, हालांकि इसके ऊपर इम्प्यूरिटीज होगी बट वो कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, समझ गए, इम्प्यूरिटीज के ऊपर डस्ट वगैरह या कोई और इम्प्यूरिटीज ऑक्साइड वगैरह हो जाएगा बट कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, कोई कंपाउंड बन के निकले ओके। बाकी सारे मेटल्स आपके कंबाइंड स्टेट में मिलती है। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल ऑल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट ओके एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन का हो गया ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ आयन, ये आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने वैलेंस सेल से आप कैटायन फॉर्म कर सकते हैं, समझ गए,
क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं, और ये क्या करेंगे टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करके एक एनायन फॉर्म करेंगे, राइट। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, मेटल अगर किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, सिमिलरली आपका नॉन मेटल ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, जो नॉन मेटल होगा अगर उनकी ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, दैट मीन दे ऑल्सो फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, ओके। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मेटल आपके आइदर एसिडिक होंगे बेटा, एसिडिक होंगे और न्यूट्रल होंगे, समझे। नॉन मेटल ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटल, जो मेटल के ऑक्साइड होंगे दे आर बेसिक और एम्फोटेरिक, समझे। नॉन मेटल का ऑक्साइड लाइक मैंने बोला Na2O है, ये क्या होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा, Na2O है बेसिक होगा या एसिडिक होगा, कैसे निकालते हो, कैसे निकाला, मैंने जस्ट बताया था ना, वाटर के साथ रिएक्शन कराओ आपका NaOH बन जाएगा ना, इसका मतलब ये बेसिक है, समझ गए। अगर हम बात करें यहाँ पर ClO3, Cl2O7, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, HClO4 बन जाएगा, जो आपका एसिड है, राइट, इसका मतलब दे आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर है। रिएक्शन विद एसिड और वाटर, जो मेटल्स होती हैं, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे क्या फॉर्म होगा बेटा, मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म होगा, बोलो यार, इतना सब कुछ बता चुका हूं फिर भी आपको समझ नहीं आता, और जब आपका नॉन मेटल होगा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अच्छा मेटल और एसिडिक के साथ रिएक्शन करता, चलो मैं आपको यहां पर लिख दूं, मेटल है यहां पर Na और एसिड ले लिया मैंने HCl, यहां पर डाइल्यूट एसिड होता है बेटा, ओके, यहां पर डाइल्यूट एसिड कर लेना, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, राइट, लिखा होगा बेटा एसिड वाले पार्ट में लिखा होगा, जहां पर मैंने एसिड बताया है, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन बताया है, तो यहां पर मैं क्यों रिएक्शन सारी लिखवाऊं ऑलरेडी, अगर मैं यहां पर जाता हूं, चलो मैं तुमको दिखाऊं एसिड और बेस की रिएक्शन, अगर हम दिखाऊं क्या लिखा है यहां पर, देखो तुरंत वही चीज आ गई यहां पर, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यहां पर देखो क्या बन रहा था, NaClH2 बन रहा, और रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ये तो सारा मेटल कार्बोनेट के साथ लिखा है, मेटल के साथ नहीं लिखा कहीं पर, ये लिखा हुआ है मेटल के साथ रिएक्शन, क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा और H2 गैस निकलता है, दिख रहा है कि नहीं, यस और नो, H2 गैस निकलती है यार, क्या कर रहे हो आप लोग, सेम यहाँ पर H2 गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, सॉल्ट बन गया और H2 गैस निकल गया, राइट, यहाँ पर H2 गैस निकलता है, सेम जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है मेटल की, सेम यहाँ पर H2 गैस निकलती है, यहाँ पर लिखा रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर की सीरीज में, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखा ही ना, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं वो सारे रिएक्शन कर जाएंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर नीचे हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे, कौन से लेक्चर में लिखा है मैंने, केमिकल रिएक्शन, अच्छा केमिकल रिएक्शन है मैंने लिखाया होगा यहाँ पर, रिएक्टिविटी सीरीज फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये लिखा ना, ये लिखा दिख रहा ना सबको, ये आपकी मेटल की रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज है, जो भी मेटल आपके हाइड्रोजन से ऊपर है वो सारी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या रिप्लेस कर देंगी, एच रिप्लेस कर देंगे, जितने भी मेटल्स आपके हैं यहाँ पर, कोई से भी मेटल ले लो, मैं मेटल को एम लेता हूँ, और जब रिएक्शन करेंगे या तो HCl होगा आपका
या H2SO4 होगा आपका या कोई सा भी एसिड होगा ना, तो ये H को रिप्लेस कर देंगी और आपका सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर MCl बन जाएगा, यहाँ पर M2SO4 बन जाएगा। समझ गए, क्लियर है? और ये वाला H निकल के यहाँ पर H2 के फॉर्म में गैस बन जाएगा, यहाँ पर भी H2 के फॉर्म में गैस बन जाएगा। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वही करेंगी, हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल ऐसा नहीं करती है, बिकॉज दीज आर द लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये लिखा हुआ है बेटा, इसको पढ़ो ध्यान से, ओके? ये इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट से, तो इसको पढ़ लेना बेटा केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिलेटिव है दोनों के, ओके? तो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस बनाएगा, यहाँ पर भी H2 गैस बनाएगा। नाउ यहाँ पर देखो, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, द मेजोरिटी ऑफ नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, मतलब इनकी रिएक्शन नहीं होती है नॉन मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन। समझे, क्लियर है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो लोकेशन आप क्लियर हो गया, नेक्स्ट बात करें मेटलॉइड की, तो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। समझ गए, मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे। क्लियर है ना? नाउ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल नंबर वन आपका जर्मेनियम, नंबर टू आर्सेनिक। जर्मेनियम को ZgE से शो करते हैं, आर्सेनिक को As से, एंटीमनी HB, सेलेनियम SE और टेलुरियम TL, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे एलिमेंट। ये आपका टेलुरियम है, समझे? ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट लिखे हैं। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज, जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम की मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन सी है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन सी है, वो ध्यान से पढ़ो। एक्ट एज ए सेमी कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, इसलिए एट द राइज टेम्परेचर राइज करने पर, इसलिए इसको मेटेलिक प्रॉपर्टी में रखा गया है। GeO2 जो कंपाउंड बनता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक प्रॉपर्टी जो ऑक्साइड बनते हैं वो कौन शो करते हैं, नॉन मेटल शो करते हैं। तो करते हैं ना, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, जस्ट अभी बताया ना ये वाला पॉइंट, दिख रहा ना ये वाला पॉइंट, ओके? नेक्स्ट आपके आर्सेनिक क्या हो जाएंगे, आर्सेनिक जब मेटालिक ग्रे कलर का होगा, दैट इज फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर येलो कलर का आर्सेनिक है वो आपका एक वीक बेस होगा, जो आपका नॉन मेटालिक टाइप की प्रॉपर्टीज शो करेगा, ओके? सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई आर्सेनिक की। एंटीमनी क्या होगा, एंटीमनी जब ग्रे कलर का एंटीमनी होगा तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और येलो कलर का एंटीमनी होता तो वीक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता, मतलब वीक होता, सॉरी वीक बेस होता है। सेलेनियम क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट 475 केल्विन, ओके? एंड दे एग्जिस्ट नॉन मेटालिक फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स, इसका जो एलोट्रॉप होगा वो नॉन मेटालिक नेचर का होगा, ओके? सो बेसिकली इसमें आपको याद क्या करना है, मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल याद करना है, जस्ट ओनली एग्जाम्पल याद करना है, याद हो जाएगा एग्जाम्पल, जस्ट ये टू लाइन याद करना है, ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर याद होता है तो करो, अदरवाइज अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया, समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड शोज बोथ प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल, एग्जाम्पल क्या, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, ओके? नाउ पीरियडिक प्रॉपर्टीज हो चुकी है, क्लियर है? नाउ अभी हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। डू यू नो मेटलर्जी क्या होता है बेटा, Do you know what is metallurgy? इससे कभी पहले नाम सुना metallurgy का? अंदर भी चेने में क्या होता बेटा, बोलो बोलो बोलो, metallurgy का कभी नाम सुना इससे पहले? हाँ सर। क्या होता सर, क्या होता है पता नहीं, तो फिर नाम कैसे सुना सर? वो सुंदर पिचाई ने की है ना मेटलर्जी। ओ, इधर से नाम सुना, मेटलर्जी सुंदर पिचाई ने किया हुआ है, तो क्या किया उसके अंदर, कुछ तो बताया होगा तुमने, कहीं से तो देखा होगा ना कि क्यों किया, कैसे किया, कहां से किया, नहीं आइडिया सर? एक्चुअली वो स्टडीज होता है ना कुछ तो, फिजिकल केमिकल बिहेवियर का। यस, मेटलर्जी क्या होता है मैं बताता हूँ, ओके? पहले आप समझ लो, हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेटलर्जी, मतलब ये चैप्टर ही है बट मेटल नॉन मेटल वाला तो बेसिक चैप्टर है, इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं रखना। अगर आपको देखो
आप बोलो सर मेटल की रिएक्शन कहाँ है, तो मेटल की रिएक्शन हम एसिड से पढ़ चुके ना, पढ़ चुके यस और नो? यस सर। मेटल की रिएक्शन बेस के साथ पढ़ चुके हम लोग, पढ़ चुके मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके और रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोग देख चुके। तो जो लास्ट के चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो दोनों के दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसलिए मैं डायरेक्टली आप मेटलर्जी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो मेटलर्जी में क्या क्या है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, व्हाट इज मेटलर्जी। ओके, अच्छा पहले मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, जो अर्थ में जो एलिमेंट है उनका परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है? अर्थ में सबसे ज्यादा कौन किसका परसेंटेज है बेटा? सिलिकॉन। कौन से एलिमेंट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है अर्थ में? टेल मी सर। नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल का नाम क्या है सर? कार्बन। कार्बन, कार्बन सबसे ज्यादा है। अच्छा पहले देखो, जो अर्थ में है, अर्थ में सबसे ज्यादा क्या अर्थ क्रस्ट में? अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, आउट ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने एलिमेंट अभी तक आपको आइडिया है, आउट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ओके 70% आर मेटल्स। समझ गए, 70% मेटल है। क्यों? क्योंकि एस में भी मेटल, डी में भी मेटल, एफ में भी मेटल और पी में भी मेटल। पी में आपका थोड़ा सा नॉन मेटल आता है, थोड़ा सा मेटलॉइड आता है, राइट? समझिए, जितने भी एलिमेंट हैं जो आपको नोन है अर्थ क्रस्ट में, वो मोर देन 70% आपके क्या है? मोर देन 70% आपके क्या है बेटा? मेटल। अरे सामने लिखा, इतना तो बोल सकते हो सर, मेटल्स। मेटल्स है, ओके। सेकंड पॉइंट, जो आपका अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दैट इज अराउंड 49%। नेक्स्ट है फिर आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो परसेंटेज है दैट इज अराउंड 26%। ये आपके क्या है, मेटल है या नॉन मेटल? नेक्स्ट आपका थर्ड पे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अराउंड परसेंटेज कितना है? 7.5%। एंड फिर फोर्थ पे आता है आपका Fe, आयरन, जिसका परसेंटेज है अराउंड 4.2%। समझे, एंड फिर आता है आपका, सिंपल है, फिर आएगा आपका क्या आएगा, कैल्शियम आता है, इसको कलर चेंज कर लो अभी भी, फिर आएगा आपका कैल्शियम जिसका परसेंटेज अराउंड 3.2 के आसपास होता है, एंड देन नेक्स्ट आएगा आपका सोडियम एंड उसका परसेंटेज अराउंड 2.4% होता है, नेक्स्ट आपका आएगा पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? ऑक्सीजन आपको दिख नहीं रहा? ऑक्सीजन किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है ना। ऑक्सीजन किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, आपका आयरन के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लेगा, ऑक्साइड बना लेता है, समझ गए? और नॉर्मली एयर में ऑक्सीजन रहता है, किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, तो उसमें ऑक्सीजन है ना। 2.3, एंड फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका अराउंड 2.3% होता है सर। यस, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्रेजेंट है ना अर्थ पे। तो हम थोड़ी गैसेस की बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, मैं यहाँ पर गैस की बात थोड़ी कर रहा हूँ, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन एलिमेंट ये होता है और नाइट्रोजन गैस ये होता है, ये आपका प्रेजेंट रहता है 78%, जो आपको आइडिया है। सिमिलरली मैंने बोला ऑक्सीजन और O2 दोनों में डिफरेंस है, ये आपका है 21%, राइट ना? ये आपका एलिमेंट है और ये आपका मॉलिक्यूल है, बात समझे कि नहीं? हाँ सर।
तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ना इसकी बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, समझे? यस सर। ओके, हाइड्रोजन कितना है आपका 1%। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है? हाँ सर। ओके, नाउ इसके बाद फिर आता है आपके जो आपके एलिमेंट है। अच्छा, आपने बोला सर ये ऑक्सीजन इतना है, सिलिकॉन इतना है, एल्यूमिनियम इतना, मिलता कहाँ है ये? आपके सारे एलिमेंट किस फॉर्म में मिलते हैं, कहाँ पर आपको मिलते हैं, तो किसी को आइडिया है? जस्ट मैंने अभी बताया भी है, कोई बता सकता है कहाँ पर मिलेंगे? सर मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यस, तो हम बोल सकते हैं अ फ्यू एलिमेंट लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस, अकर इन फ्री स्टेट, occurs in free state. Free state का मतलब समझ गए बेटा? ये आपको freely मिल जाएंगे, इसके साथ कोई भी चीज नहीं मिलेगा आपको, समझ गए? और the native state. Okay, while the other elements are found in combined state. Combined state या combined form on earth crust. अभी combined form किस किस के form में हो सकते हैं बेटा? जैसे कि combined form कोई बता पाएगा कौन कौन से combined form होते हैं? For example, do you know sulfate क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा आपको, नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा, नेक्स्ट है आपका सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा, ओके, नेक्स्ट है आपका हैलाइड फॉर्म में मिलेगा, एक्सेट्रा। इतने सारे फॉर्म में आपको ये कंबाइंड फॉर्म में आपके एलिमेंट मिलेंगे, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जनरली मैंने आपको 4 लिखा दिए, याद रहेगा बेटा? क्लियर है ये बात, समझ गए? क्लियर है ना? नाउ अभी आपके जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो आपके ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा एलिमेंट उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम भी तो होगा कुछ, जो आपका कंबाइंड फॉर्म में एलिमेंट मिलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे? एनीबॉडी? उसको बोलते हैं मिनरल। क्या बोलेंगे बेटा? मिनरल। मिनरल जो आपके फॉर्म में मिलता है कंबाइंड फॉर्म में, उसको बोलते हैं मिनरल। तो मिनरल की डेफिनेशन क्या हो गई? Naturally occurring chemical substance in the form of which metal जिसमें present रहती है उसको हम क्या बोलेंगे? Minerals बोलेंगे, समझे? Sir, the iron is also formed in mineral form, right? क्या बोला, फिर से बोलो। Sir, iron is also formed in mineral form. Ions? Iron, iron. Iron ना? हाँ। तो आयरन तो मेटल है ना सर, इट इज आल्सो फाउंड इन मिनरल फॉर्म। सारे मेटल्स मिनरल फॉर्म में मिलती हैं, एवरी मेटल्स फॉर्म इन मिनरल फॉर्म। सिर्फ कौन कौन से मेटल्स हैं
जो आपके फ्री स्टेट में मिलती हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, कार्बन आपको फ्री स्टेट मिल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ डायमंड राइट, सल्फर आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा, फिर आपको गोल्ड फ्री स्टेट में मिल जाएगा एंड आपके नोबल गैसेस आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? Yes. कौन कौन से फ्री स्टेट मिल रही हैं? कार्बन, सल्फर, गोल्ड, गोल्ड और नोबल गैस, यही आपको फ्री स्टेट मिलेगा। हैलाइड्स मीन्स जैसे NaCl, जैसे हैलाइड। हैलाइड किसको बोलते हैं? हैलोजन। हैलोजन समझते हैं बेटा? डू यू नो हैलोजन क्या होता है? हैलोजन क्या होगा? हैलोजन बोलते हैं F2, Cl2, Br2 और I2, इनको बोलते हैं हैलोजन। ओके, I2 हटा दो यहाँ पर, आप 2 हटा दो यहाँ पर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है बेटा? हैलोजन। और जब इनको हम हैलाइड के फॉर्म में बोलेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा F-Cl-Br-Na-Ni-, ये आपके बन गए हैलाइड। अब ये Cl नेगेटिव किसके साथ बनाता है? ये Cl नेगेटिव Na के साथ रिएक्शन करके NaCl बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं? यस सर। ओके, तो हैलाइड समझ गया क्या है? ये आपके हैलाइड्स हैं। इज इट ओके? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट, यहां तक तो क्लियर है? बात समझ में आया? यस सर। ओके, अभी हम बात कर रहे थे मिनरल्स की। सो मिनरल्स क्या है बेटा? What is minerals? Mineral क्या है? बताओ जल्दी से। The metals which are not form in free listed. एक second, ये क्या हो गया? Sir, your screen is not visible. अभी visible है? Yes, sir. What is mineral? Mineral बताओ बेटा। Mineral क्या होगा? Naturally occurring chemical substance. Naturally occurring chemical substances in which क्या होगा बेटा? जिसमें कुछ ना कुछ मेटल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, आपको एक कोई चीज मिल गई रास्ते में। ओके, अब रास्ते में जो चीज आपको मिली है उस चीज में अगर कोई ना कोई थोड़ी बहुत भी मिनरल्स मिल जाएगा, थोड़ी बहुत ही मेटल मिल गई, तो हम उसको क्या बोल देंगे? मिनरल बोल देंगे। समझ गए? यस सर। हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। अच्छा, अकरिंग बोले। ओके, जस्ट अ सेकंड। द नेचुरली अकरिंग, अकरिंग किधर आएगा? इधर आएगा। इसको The naturally occurring chemical substance in the form which the metal occurs in the earth crust is called or called mineral. समझे? For example, आपके सामने एक पीस मिला, किसी भी टाइप का पीस हो,
उसमें अगर 0.001% भी आपकी मेटल है, क्या है बेटा? मेटल है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? मिनरल। अगर कोई भी सब्सटेंस आपको कहीं पर भी मिल जाए उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज भी आपका क्या किसका है? मेटल का है, तो हम उसको मिनरल बोल देंगे। अगर वही सब्सटेंस आपको मिल गया और उसमें आपको बहुत ज्यादा, लेट से हम बोलेंगे 40% उसमें क्या है? नॉन मेटल है, तो क्या वो मिनरल बोलेंगे उसको? वो आपका मिनरल नहीं है, समझे? मिनरल कौन है बेटा? मिनरल वही है जिसमें आपकी मेटल प्रेजेंट होगा, वही आपका मिनरल है, अदरवाइज मिनरल नहीं है। डेफिनेशन को समझो सही से, जिसमें आपका मेटल प्रेजेंट है वही आपका क्या है? मिनरल है, अदरवाइज वो मिनरल नहीं है। इज इट क्लियर? आपका चाहे नॉन मेटल 100% ही क्यों ना हो, उसको हम मिनरल नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। समझ गए सर? अगर नॉन मेटल और मेटल दोनों हो तो? कुछ भी हो, मतलब मैंने 1% बोला तो 99% इसमें कुछ भी हो सकता है। नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर 99% कुछ भी हो, एटलीस्ट 1% भी मेटल अगर आ गई तो उसको हम मिनरल बोल देंगे। समझ गए? मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे मार्केट में रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे एक पत्थर मिला और उस पत्थर में मेरा 0.1% मेरा क्या है उस पत्थर में? कैल्शियम है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? वो मिनरल है। समझे बात को? यस सर। हाँ सर। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे उसमें एक पत्थर मिला, उसमें सिर्फ नॉन मेटल है, ओनली मिनरल मेटल बिल्कुल नहीं है, तो क्या मैं उसको क्या मिनरल बोलूंगा? सिर्फ नॉन मेटल है उसमें, तो मिनरल है क्या वो? नहीं है। समझे? सिर्फ नॉन मेटल है तो मिनरल नहीं बोलेंगे। अगर उसमें मिनरल थोड़ा भी परसेंटेज ऑफ मिनरल का प्रेजेंट है तो उसको हम मेटल बोलना स्टार्ट कर देंगे। इज इट ओके? बात समझ गए सर? आपने उल्टा बोला अभी। उल्टा बोला? एक सेकंड सर, आपने कहा कि उसमें 1% मिनरल प्रेजेंट हो तो हम उसे मेटल बोलेंगे। अच्छा, अगर 1% मेटल प्रेजेंट हो तो हम उसको मिनरल बोलेंगे। ओके? और अगर नॉन मेटल हो, उसमें मेटल बिल्कुल ना हो, तो उसको हम मिनरल नहीं बोलेंगे। क्लियर है? बात को समझ गए? चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ओर की। Is there any term for non-metal? Any term for non-metal? क्या example? Sir, means you want to ask that अभी metal मिला तो उसे mineral बोलते हैं, तो उसमें अगर non-metal मिला सिर्फ तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे उसको। आप उसको generally क्या होता है? Generally देखो मैं बताता हूँ, मैं इसको भी आप mineral बोल लेते हैं, but technically terms में उसके mineral नहीं बोलते हैं हम लोग। नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में हम इसको ही मिनरल बोलते हैं, बट टेक्निकली टर्म्स उसके लिए मिनरल नहीं बोलते। इज इट ओके? जैसे आपको मिला डायमंड का एक पीस मिला और उसमें प्योरली डायमंड नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? वो डायमंड का मिनरल है, बट डायमंड तो आता है नॉन मेटल में ना, तो मिनरल नहीं बोलेंगे। बट हम लोग आजकल क्या डेफिनेशन में मिनरल बोलने लगे, कोई टर्म्स डिफाइन नहीं है फॉर नॉन मेटल के और नॉन मेटल के लिए। समझे? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म है आपका ओर। ओर क्या है बेटा? ओर का डेफिनेशन समझो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओर का डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी? द मिनरल सर, मतलब ओर्स मतलब क्या होता है कि जिसमें मेटल्स छुपे हो और उन्हें हमें किसी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन पहले लिख लो, द मिनरल The mineral form from which the metal is economically and conventionally conventionally extracted is called ore. Definition clear हुआ?
डेफिनेशन क्या है समझो, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे मैंने बोला कि ये आपका एक मेटल है, कौन सा मेटल है, मेटल एम ले लेते हैं, ओके, एक मेटल एम है और लेट से उसके सामने ये बहुत सारे एलिमेंट हैं, ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके, इसमें बहुत सारी परसेंटेज है आपकी, लेट से इसमें आपका 10% है, इसमें आपका 20% है, इसमें आपका 30% है, इसमें आपका 40% है, इज इट ओके?